हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं होशा गुप्ता और आज हम बात करेंगे आईब्रोज़ के बारे में, आईब्रो शेप के बारे में। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं बताऊंगी जो आपके समझ में ना आए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्च शेप के बारे में। आर्च शेप जो होती है वो आइडियल मानी गई है। जिस तरह ओवल फेस को हमारे लिए आइडियल माना गया है हमारे मेकअप के अंदर, उसी तरह आईब्रोज़ को, आर्च शेप को आइडियल माना गया है हमारे इस लाइन के अंदर, प्रोफेशनल हमारी लाइन के अंदर। तो हम बात करेंगे आर्च शेप। आर्च शेप हमें कैसे देनी है, हर क्लाइंट का फेस अलग अलग होता है, हर किसी की आईब्रोज़ भी अलग अलग होती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आर्च हमें कहाँ से, किसी के, जिस तरह मेरा ये आर्च दिख रहा है, आपको, मैंने यहाँ से ही मेरी आईब्रो स्ट्रेट जा रही है और यहाँ से ही नीचे आ रही है, यानी कि सेंटर आईज़ के ऊपर हल्का सा यहाँ सेंटर पे, यहाँ से आर्च बनाना है और नीचे लेके आना है। और इस वाली आईज में थोड़ा सा मेरा फ़र्क होगा, ये हल्की सी स्ट्रेट होगी। तो ज़्यादातर 20-30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईब्रोज़ में थोड़ा फ़र्क होता है, एक बिल्कुल अच्छी शेप होगी और एक थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लाइंट को बोलो, समझाओ कि हम आपके आईब्रोज में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। किसी की आईब्रो होती है एक नीचे एक ऊपर, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ये। एक की आईब्रोज थोड़ी नीचे होती है और थोड़ी ऊपर होती है। जो आर्च शेप की आईब्रोज होती है उसको आप इजीली शेप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ऊपर सेंटर की क्लीन करोगे, फिर साइड क्लीन करोगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लेके जाओगे और फिर घुमा दोगे इसको, तो ये आर्च शेप के अंदर आपकी आईब्रोज आ जाएगी। अब बात करते हैं हम राउंड की। जो राउंड आईब्रोज होती हैं उसको हमें कैसे शेप देना है। राउंड होती है यहाँ से बिल्कुल गोल होती है, यहाँ से उनका आर्च ज़्यादा विजिबल नहीं होता और आप दे भी नहीं सकते हो। अगर वो कहे आपसे कि मुझे आर्च चाहिए तो आर्च आप नहीं दे सकते उसको, क्योंकि उसकी आईब्रोज में है ही नहीं आर्च, तो आप कैसे दोगे। ये तो ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें, हम सिर्फ उसको थोड़ा बहुत ठीक कर देते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है सिर्फ हम उतना ही कर सकते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम सिर्फ जो गो उसके जिसके राउंड है उसको हम यहाँ से क्लीन करेंगे। आर्च जिसका नहीं है, कोशिश करते हैं हम यहाँ से आर्च देने की, जिसका नहीं है उसको हल्का सा फिर यहाँ से हम टर्न कर देते हैं, और यहाँ से तो हमारी शेप जाती राउंड है, तो उसको इसका भी ध्यान रखो। और जिनका राउंड है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी उसकी आईब्रो, उसको आपको यहाँ से ख़त्म नहीं करना है, क्लीन नहीं करना है। यहाँ के बाल छोड़ के पहले आप यहाँ के क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको सेंटर्स के पास थोड़ा सा पास जाना है, सिर्फ उसको लाइन को क्लियर दिखाने के लिए। इसको यहाँ से गायब मत कर देना वरना उसके ज़्यादा गैप हो जाएगा। बात करते हैं स्ट्रेट आईब्रोज़ की। स्ट्रेट आईब्रोज़ ज़्यादातर, मैंने अभी पीछे भी एक शायद एक वीडियो बनाई है, उसमें एक में तो उसका प्रॉपर आर्च है और एक हल्का सा आर्च है, उस स्ट्रेट भी कह सकते हो। स्ट्रेट होती है बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो, उसमें आप कितनी कोशिश कर लो नहीं दे पाओगे, आप ना तो उसको आर्च दे पाओगे ना उसको राउंड दे पाओगे, वो स्ट्रेट ही दिखेगी। तो उसको आप सिर्फ स्ट्रेट ही शेप दे सकते हो, उसके अलावा आप उसको कोई शेप नहीं दे सकते हो। तो वो होती है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी आपको, हल्का यहाँ आर्च दिखेगा बट नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके, तो सिर्फ हल्का सा आर्च दिखेगा और सीधी जा रही होगी वो, ना तो वो नीचे होगी ना ऊपर होगी, स्ट्रेट जा रही होगी, उसे कहते हैं स्ट्रेट आईब्रोज़। और एक आईब्रोज होती है हमारी सेंटर, यहाँ बिल्कुल किसी किसी की ना बिल्कुल सेंटर पे मिली हुई होती है आईब्रोज, देखा होगा आपने, यहाँ से बिल्कुल चिपकी हुई होती है। तो यहाँ जब आप आईब्रोज करते हो तो यहाँ गैप मत देना ज़्यादा उसको, सिर्फ हल्का सा सेंटर हल्का सा क्लीन करना है, क्लाइंट को दिखा देना है कि आपको कितना गैप इसके अंदर चाहिए, तो हल्का सा यहाँ से क्लीन करना है। उसके बाद बस आपको वही शेप देनी है जिस तरह मैंने आपको बताया, किस तरह आपको काम करना है, सबसे पहले ऊपर फिर नीचे से क्लीन करना है, और यहाँ जब जाते हो तो धागा यहाँ लाने के बाद घुमा देना है, फिर आपको नीचे लेके जाना है। ऐसी आईब्रोज भी आपको मिलेंगी। और ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी किसी की आईब्रोज़ में ना यहाँ कट भी होते हैं, यहाँ होगा या यहाँ होगा या इस तरफ हो सकता है या इसके अंदर बीच में हो सकता है, तो जिनके कट होता है उनके दोनों साइड बाल आ जाते हैं, उनके दोनों तरफ बाल आ जाते हैं और एक तरफ नहीं आते, पतले होते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बाल ज़्यादा हैं उसके तो आपको दूसरी साइड भी बाल छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे ये मैंने पतला है तो मुझे ये थोड़ा सा और ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। और अगर आप यहाँ से भी निकाल देते हो तो उसका बिल्कुल खाली हो जाएगा, उसका जो कट है वो ज़्यादा विजिबल दिखेगा, तो ये भी आपको गलती नहीं करनी, इन गलतियों का ध्यान रखना है। कोशिश करूँगी आपको हर तरह की आईब्रोज करके दिखाने की, जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर, जो भी कस्टमर अगर तैयार होता है वीडियो बनवाने के लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको मैं वो दिखाऊँ, आईब्रोज दिखाऊँ अलग अलग तरह की, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आप ध्यान से देखो वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।